जिथे बुरे काम होंगे ना उत्थे चंगे काम भी होने चाहिए ने सोशल मीडिया से। वेखो ना साड़ी नसल मोबाइल फड़िया की है जी, नवी मूवी केड़ी आई है जी, नवा गाना केड़ा आया जी, और सर्च करते हैं, वो वेंदे ने सारा कुछ करते हैं। तो वह कि खूबसूरत इंसान है जिहड़ा या अल्लाह का कुरान सुनता है या मुस्तफा की नात सुनता है। तो आ वीडियो जो जापान जाए तो थोड़ा भरा आके वाकई पुत्रा हक अदा किया पिछे, चलो मैं तो इतने नहीं सा, तो हक अदा किया तो सोहना प्रोग्राम सजाया ही, तो नबी की महफल सजाई है। जुमले समात कर जे बाबा जी, इस तो बाद मैं आखिरी गल कर लगा तो इजाजत चाहवागा। नबी पाक के दादे ने की दावत, की दावत की थी, पूरा मक्का आ गया। जो पूरा मक्का आया ना बाबा जी, तो सारे मक्के ने आके रोटी खाधी, तो एक दूजे ने आंदे ने यार बड़ी सोहनी रोटी है, बड़ा सोहना सालन है, बड़ा सोहना इंतजाम है। जो इंतजाम सोहना तो जो करन आले भी सोहने आन, जो करन आले भी सोहने आन। जुमले समाज फरमाया जे बाबा जी, जदों सारे मक्के दे चौधरी जमा हो गए, खाना खा लिया, दावत खा ली, एक दूजे नूं आंदे ने बड़ी सोहनी बनाई है, खाना बड़ा सोहना पकाया है, एक बोल के कह लगा खाना किवें ना सोहना हो गए, दावत बना ना ला काबे दा मुतवली है, है दावत बनाने ला काबे दा मुतवली है, है सालन बनवाने ला जनाबी अब्दुल मुतलब। जदों सारे मक्के ने रोटी खा ली है, चौधरी जमाई हो गए ने, हजूर दे दादा नबी पाक नू लैके बने आए, आ जुमला सुनी, नबी पाक नू लैके मैं नबी दे दादा बने आए ने, आंदे ने वेखो मेरा पोतरा किड्डा सोहना है, वेखो मेरी जान किड्डी सोहनी है, सारे मक्के दे चौधरी नबी नू वेखी जा रहे ने, हजूर दा चेहरा वेखी जा रहे ने, आंदे ने वाह वाह अब्दुल मतलब है। इत्थे जुमला सुनी, है बाबा जिवें तेरा पुत्र अब्दुल्ला सोहना सी, उंजे ओहदा पुत्र भी सोहना है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कोटली आलिया जुमले जाया ना करे आ रहे, सारा मक्का वेख के हैरान रह गया, सारा मक्का वेख के परेशान हो गया, एडा सोहना आया है, एडा सोहना आया है। मक्के दे लोग आंदे ने बाबा दावत बड़ी सोहनी बनाई आ, खाना ते बड़ा सोहना बनाया, ये भी ते दस ना पोतरे का नाम की रखिया। इत्थे जुमले सुनियो बाबा, जदों इन्नी गल की मेरे नबी दे दादा फरमा देने, सुनो मैं अपने पोतरे दा ना रखिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी दे नाम ते बोले आ रे, सारा मक्का हैरान, सारा मक्का परेशान, आखन लगा बाबा हे ना की हो जिया रखिया, हिंज दा ना असा अज तक नहीं सुनिया, हिंज दा ना किसे मक्के अंदर रखिया ही नहीं, अलामा सा उत्तू आवाज आई है, मक्के दियो काफरो चुप कर जाओ, तुसी गल मक्के भी कर दे, असा पूरी दुनिया विच कोई मोहम्मद बनाया ही कोई नहीं। हाथ खड़े करके अल्लाह इन्हां दा सामने रखे। अज दी ए बड़ी खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जनाब मोहतरम चौधरी जहूर इलाही साहेब उन्हां दी रिहायशगाह ते ए महफिल इनेकाद पज़ीर है। जिन्हें भी मेहमान चल के आए, खसूसन किबला शाह साहब आए, उन्होंने नाल जिन्हें भी उलमा इकराम आए, अल्लाह सब दा आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह चौधरी साहब दे रिजक अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए, घर दे अंदर बरकतां अता फरमाए। तुसी बड़ी ही मुहब्बत नाल बैठे हुए हो, इंशाल्लाह ए जोहर तक प्रोग्राम चलता रहना है और मेरे तो बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा। जिन्हें उलमाई ग्राम आए इंशाल्लाह सब नू टाइम दिता जाएगा। तुसी बड़ी मुहब्बत नाल बहना है, ये मेरी मजबूरी है, ये पहले गल की टाइम की मजबूरी है थोड़ी, कि अगे भी वादा किया
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜਦਾਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਉਲਾਮਾ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਤਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦ ਜਾ ਅਕੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹੀ ਨੂਰੁਮ ਵ ਕਿਤਾਬੁਮ ਮੁਬੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ 'ਚ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਸੂਰਜ 'ਚ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਆਇਤ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਏ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੋ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੀ ਅਜ਼ਕੁਰਕੁਮ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਫਜ਼ ਗੁਰੂਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜੈ ਹਕੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਨੂਰੁਮ ਵ ਕਿਤਾਬੁਮ ਮੁਬੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਬਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੋਏ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ
आखिया है असा जहन्नम मन ली है जे तुसा आखिया है असा पुल सरात मन लिया है हम मेरे नबी दी जुबान है जिदे ते यकीन करके असी अल्लाह नो वहदा हो मने इधर वेख्या रे असी अल्लाह नू वाहदा हो ला शरीक मनिया है हे मेरे अल्लाह ने मेरे नबी ने फरमाया है ताइयों ते चौधरी साहब अज तेरे वेड़े आके सुल्तानी कह रहे आए साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी इधर देखिया रे हर कायनात अजीम लोग जुमले सुन जाया रे किबला शाह जी तुहाडे नाने दी गल कर रहा वा मैं हसनैन दे नाना जान दी गल कर रहा वा मैं जनाबे जहरा दे बाबे दी गल कर रहा वा साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान वा मैं यंती गुआनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहयूहा साडे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा कला विचंगा लगदा ही नहीं किसे होर दा कला विचंगा लग नबी दी अम्मी जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे आमिना सलामुल्लाह अलैह आ फरमांदियां ने लोगो जदों मेरे वेड़े सोना आया है जदों मेरे वेड़े मेरा पुत्र आया है जदों मिलाद आला नबी आया है जदों सोना रहमत बन के आया है मेरा नबी महान दे वेड़े आया है कोटली आलियो मेरा विजदान आंदा है जदों नबी आया है रहमत आ गई है जदों नबी आए ने फजल आया है जदों नबी आए ने अल्लाह दा करम आया है मेरे नबी आ गए जनाबे आमिना सलामुल्लाह अलैह आ फरमादियां ने कायनात आलियो मेरे पुत्र ने आंदियां ही सिर सजदे अंदर रखिया है इधर वेखो जरा मेरे वाले सजदे अंदर रखिया है मेरे करीम नबी दे लब मुबारक हरकत पे कर देने जनाबे आमिना फरमादियां ने मैं कन नेड़े कीता है मैं वेखिया मेरा मुस्तफा मेरा मोहम्मद की प्या पढ़दा है मेरे नबी दे लबां विचों आवाज आ रही है या रब्बी या रब्बी हबली उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श देना है या अल्लाह मैनू उम्मत दा गम खांदा है मैनू ईमानदारी ना दसिया रे मेरे नबी दुआवां करदे रहणे है मेरे नबी दुनिया थे आए ने थे दुआवां करदे रहणे है मेरे नबी अरशे मुअल्ला ते गए ने थे दुआवां करदे रहणे जिधर जिधर मेरा नबी जांदा रहा है अपनी उम्मत नू याद करदा रहा है चौधरी जहोर इलाही साहब मैनू ईमानदारी ना दसिया रे अज लंगर पकाया ई अज मेहमाना नू बुलाया ई अज रिश्तेदारा नू बुलाया ई ते सारिया नू बुला के दस के असी ये होई कहना चाहने आ मुस्तफा आए जी एक बारी मोहब्बत नाल मुस्तफा आए दोहाया पैगिया है मुस्तफा आए बंदे बड़े हैरानगी नाल मैनू वेख रहे ने मैनू ना वेखो नबी दा जिक्र करो मुस्तफा आए जिन्हों नबी दा जिक्र नहीं पसंद हुन दुनिया ते कोई चीज नहीं पसंद जिदा जिक्र अरशां ते हो रहा है जिदा जिक्र फरशां ते हो रहा है जिदा जिक्र अल्लाह खुद कर रहा है वदोहा
वल्लैल इज़ा सजा ऐ मुस्तफा आए, तवज्जो मुस्तफा आए दोहाया पे घैया है मुस्तफा आए खदीजा हकुम मिनल्लाही नूरुम व किताबुम मुबीन लकद मन्नल्लाहु कुरान पढ़ना पया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बास फीहिम रसूला मुस्तफा आए दोहाया पे गईया है रब अगे सजे दे जदों मेरा नबी आया बाबा जी तवज्जो करे अज जदों मेरा नबी आया 360 बुत बाबा जी काबे दे अंदर ने सारे मुंह दे पार जमीन ते डिग पे ने ते विचों आवाजां आ रहियां ने है रब अगे सजे दे खुदाया पे दिया है रब अगे है रब अगे है रब अगे सजे दे खुदाया नबी दे दादा या देने जदों मैनू खबर मिली है अल्लाह ने मैनू पोतरा दिता है मेरा पुत्र दुनिया तू चला गया है हाय लोगो औलाद हर प्यो नू बड़ी सोहनी लगती है हाय पुत्र हर बाप नू बड़े सोहने लगते ने हाय पुत्र मर जाए प्यो दी कंडी टूट जाती है प्यो दा सहारा मुक जाता है नबी दे दादा आंदे ने जदों मेरे वेड़े सोना आया है जदों मेरे वेड़े कमली वाला आया वे मैनू खबर आई है सोना आ गया है मैं वेखण वास्ते गया वा अल्लाह ने मेरा पोतरा किड्डा सोना बनाया हाथ खड़े करके सारे बोलो यार नारे तकबीर नारे रिसालत किबला सुल्तानी साहब किबला सुल्तानी साहब मेरे नबी जान दे किबला हर चीज ही खुश हो गई हर चीज ही खुश हो गई इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिन्हें सुतिया ने जागदिया 70 तो ज्यादा मरतबा नबी पाक का दीदार किया छोटा बंदा है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर अव्वल के अंदर लिखते हैं कि जदों नबी पाक आए ना बाबा जी मक्का शरीफ के अंदर नबी पाक आए तो समंदर दियाँ मछलियाँ एक दूजे ने मुबारक देन लग पी छोटी गल है मछलियाँ एक दूजे ने मुबारक भी देंदिया ने अज मौलवी आते जी असी नहीं मनाते मिलाद मैं क्या ना मनाओ तुहानू कोई धक्के ना आता मिलाओ कभी किसी का जोर पाया सा बाबा जिदा दिल करता मना ले जिदा नहीं दिल करता जमीर मुतमाइन ना वो जाने तो नबी पाक जाने साडा तो दिल आंदा साडा तो गुजारा ही नहीं हजूर तू बगैर और जिदा खाइए ओदा जिदा खाइए ओदा मैं किबला शाह जी अक्सर एक जुमला बोलना कि बंदा दुनिया तो किसी का नौकर हो किसी का काम करता हो भी 25 हज़ार रुपया महीने तुम लभदा हो गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो जी तो चाह वाली दुकान पर जाए ना चाह लैन महल्ले की तो जे कोई दो बंदे वो चौधरी के खिलाफ या वो मालिक के खिलाफ बह के गल करते हो ना तो जे हो नस्ली की हो नस्ली दो नंबर ना हो चौधरी नू खाई भी जाए तो जड़ा भी वड्डी जाए जो सामने आए चौधरी जी की हाल है चौधरी जी थोड़ी क्या बात है तो बहर जाके उस चौधरी दियाँ बदहोइया इंज का इंसान सप हों जे अदो को बच जाओ ये मुनाफिक इंसान होंगे जोड़ा उतू होर हो पता लग जाता शाह जी बंदा छुपया नहीं रहा अल्लाह जेड़ा बंदा नेक ना अल्लाह सामने बंदे लै आंदा भी ए तेरे सज्जन नहीं ते ए तेरे दुश्मन नहीं इधर बाबा जी तवज्जो फरमाया जे दुनिया ते बंदा किसी का मुलाजम होवे 20,000 रुपया किसी को महीने का लवे तो उस टाइम उन्होंने पैजेगा ओए खबरदार मेरे सामने मेरे मालक की बदहोई ना करियो मेरे सामने मेरे मालक की गल ना करियो मैनू ईमानदारी ना दसो यार कोटली वाले
कोई बंदा इतों 20,000 किसी का लेंदा होवे तो रोटी खांदा होवे उहदी ते बंदा उहदे खिलाफ गल नहीं सुनदा ते जिहदे सदके पूरी कायनात भी खांदी है। तवज्जो नहीं तुसी कीती, बड़े ठंडे हो यार तुसी, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। बारिश पई है, एडे ठंडे ना हो, जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। हजूर दे नां ते बोलना चाहिए। फिर वेखो कई बंदे चुप करके बैठे रहते, बैठे रहन कोई मसला नहीं, पर अगर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहोगे ना, तुहाडे सज्जे मोंडे ते फरिश्ता बैठा है, इन्हें उस टाइम कलम चुक लैनी है, इन्हें तुहाडा सवाब लिख देना। तो बंदा चुप करके बैठा ना तो इन्हें कुछ नहीं लिखिया, तो बंदा बोलिया तो इन्हें लिख लिया। फायदा बोलन च होंदा कि चुप च होंदा? अल्लाह का जिक्र करन च होंदा ना जी। ऐ वेखो जी, कलम ने लिख छड़िया, तुहाडे विच जिन्हें सुभान अल्लाह कही उन्हें वह भी लिख छड़िया, जिन्हें माशाल्लाह कही उन्हें वह भी लिख छड़िया। तवज्जो फरमाया जी, असियां हजूर दे नौकर, असियां कमली वाले दे मुलाजम, मैं किसी की गल नहीं करता, मैं तो मुलाजम जे, मैं उन्हां कोल तनखा लैंदा, मैं उन्हां दा लंगर खाना, मैं उन्हां दे दर्द दियां टुकड़ियां ते पलण वाला जे, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के आना, मैं नबी पाक और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेड़े भी करांगा, बाजारां विच भी करांगा, चौंकां विच भी करांगा, अलल ऐलान करांगा, भावें किसी ने चंगा लगे तो भावें ना लगे, मैं आखांगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक बारी हाथ बुलंद करके, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे नबी तो बाद नबी आना क्यों ना? कोई नहीं ना, सारे का अकीदा है, सारे का। जेड़ा मुसलमान है ना किसी भी मसलक दा, उहदा अकीदा यही है कि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी, मेरे नबी तो बाद नबी कोई नहीं आना। जिन्हें आखिया वो झूठा है, तो जेड़े वो मनने वाले ने भी झूठे ने, वह भी झूठे ने। इधर वेखियो, नबी दे दादा फरमाते ने, जदों मैनूं खबर मिली ना कि अल्लाह ने पोतरा दिता है, तो बाबा जी पोतरा भी किड्डा सोहना है, जिदे चेहरे दियां कसमां अल्लाह दा कुरान पिया उठांदा है, जिदे सीने दियां कसमां अल्लाह दा कुरान पिया उठांदा है। नबी दे दादा आए, बाबा जी वेख्यो आके ना, आमीना जी, अबू जी अजरा पुत्र ते लिया, आए हाय हाय, कुरबान हो जावां कमली वाले तेरे दादे दी शान तो। दादा भी आला है ते पोतरा भी आला है। इधर वेख्यो जरा, पुत्र ते लिया, अलामा साहब जनाबे आमीना ने सोने ने चुकिया, चुक के चुम के ना, तो फरमाया जा पुत्र दादा पे बुलांदा ही। जदों नबी पाक अपने दादे दे हत्थां विच आए ना, तो नबी दा जिसम लगा दादे दे हत्थां नाल, ते दादे दे हाथ लगे मुस्तफा करीम दे जिसम नाल, ते मेरे नबी ने अख खोल के ना दादे दा चेहरा वेख्या। मेरा विजदान आंदा दादे नूं वेख के आंदे होणे ने, दादा हुण परेशान ना होई, हुण रहमत बन के मुस्तफा आ गए ने, हुण मुस्तफा, हुण करीम नबी आ गए ने। हजूर दे दादा फरमांदे ने, जदों मैं सोने नूं चुकिया है, चुक के चुमिया है, बाबा जी जुमले तड़पा देणगे, जुमले सुनिया रे। नबी दे दादा जनाबे अब्दुल मुतलिब फरमांदे ने, मैं नबी नूं सीने लाया मैनू ठंड पै गई है, मैं नबी नूं चुमिया मैनू ठंड पै गई है, जनाबे उम्मे अमन कोल खड़िया ने, आंदियां ने बाबा सानू भी ते दसना तेरा पोतरा किड्डा सोहना है, तेरा पोतरा किड्डा सोहना है, तेरा जी आया किड्डा सोहना है, मेरा भी जदान आंदा शाह जी नबी नूं चुकिया होना है, ते सीने लाया होना है, ते नबी वे दादा भी आंदे होने ने, सरकार जे आ सोहना आया ना होना है, सरकार जया साणा साणा, सरकार जया साणा आया नहाणा। इधर देखो जरा, सरकार जया साणा साणा साणा, सरकार जया साणा आया नहाणा। क्यों ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना। वदुहा चेहरा इधर वेख्या रे, वदुहा चेहरा, वदुहा चेहरा, वल्लहल ज़ुल्फ़ां
नबी दी ओह नात जिहड़ी अल्लाह ने पढ़ी है। कोई बंदा उठ के इतराज़ तो करे, मैं जवाब देना, ये केड़ी नात है जिहड़ी अल्लाह ने पढ़ी है ते कुरान बने है। कुरान दा एक एक हरफ सच्चा है। की है? क्यों? अल्लाह ने शुरू में खुद फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, फरमाया दे वे शक ना करो, मारे जाओगे, शक की गुंजाइश ही कोई नहीं। चेहरे की वारी आई, नात पढ़ी वदुहा, अज़ाब दियां ज़ुल्फ़ां की वारी आई, नात पढ़ी वल्लैल। अल्लाह की इज्जत की कसम, तवज्जो फरमाए, हजूर दे सीने की वारी आई, फिर कुरान बोल लिया आलम नशरह लका सदरक, हजूर दे हत्थां दी वारी आई, सुनो अंदर अंदरों यदुल्लाहि फौका आईदीहिम, हजूर दी उंगलियां दी वारी आई, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। किथे आखणी जे सुभान अल्लाह, हुण ते कुरान पे पढ़ना। कई बंदियां नूं इतराज़ हुंदा जी मौलवी साहब शेर पढ़े ने, तो हुण ते कुरान पढ़िया, कुरान ते आखणा चाहीदा सुभान अल्लाह। हजूर जिधर गए ने बाबा जी कुरान पिछे आया, हजूर मक्के ने कुरान मक्के आ रहा, हजूर हिजरत करके मदीने गए कुरान मदीने गया कि नहीं गया, बोलो। हजूर जंगे बदर गए ने कुरान बदर च आया कि नहीं आया, हजूर जंगे ओहद गए ने कुरान ओहद आया कि नहीं आया। हाय 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 क्या बात है, इधर तवज्जो फरमाए, जबरील आंदे रहे ने, जबरील आंदे रहे ने ते मेरे नबी दा नाले दीदार करते रहे ने, नाले अल्लाह का पैगाम देंदे रहे ने। नबी दे दादे फरमाते ने बड़ी खुशी हुई सोने ने वेख के, हुण मैं वह नात पढ़न लगा जिहड़ी अल्लाह ने खुद पढ़ी है, रब्बुल आलमीन ने पढ़ी है, नबी दी नात ते कुरान बन गया। ते तवज्जो फरमाया जे, जे दिल कीता ते बोलियो, ना भी कीता ते तकरीर फिर भी मैं कर जानी, जुमले सुनिया जे, वदोहा चेहरा वदोहा, बाबा जी एक बारी हाथ बुलंद करके, वदोहा चेहरा वदोहा चेहरा वदोहा चेहरा वल्लैल ज़ुल्फ़ा, वदोहा चेहरा वल्लैल, क्या बात है तुहाड़ी यार, वदोहा चेहरा वल्लैल ज़ुल्फ़ा, मज़ाकदा कजला पाया है। जदों पुफिया नो खबर मिली है, इधर वेख्या रे, जदों पुफिया नो खबर मिली है, अल्लाह ने सानू भतीजा दिता है, सारिया पुफिया शाजी आ गई, एक आके कह लगी आमीना सुरमा मैं बनाए, दूसरी आके कह लगी आमीना नहलाना मैं, तीसरी आके आखन लगी आमीना इतर मैं लाना है, उतों ही आवाज आई है, मेरे नबी दियो पुफिया खामोश हो जा, हे पाक होन नहीं आया, हे कायनात नो पाक करन आया है, हे कायनात नो पाक करन आया है, मेरे नबी दियां अखां विच सुरमा भी पिया होया, सुनियो बाबियो ज़ुल्फ़ां नो तेल भी लगा होया है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम कायनात आलियो, हे गुसल भी दिता गया है, नहलाया भी गया है, खुशबूवां भी आ रहियां ने, मेरे अल्लाह ने दसिया है, हुण जिहड़ा नबी आया है सिर्फ नबी नहीं आया, हे नबियां दा सरदार आया। हाथ खड़े करके सारे, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे, कमाल हो गई है, नबी दा मिलाद ते, हाथ खड़े करो सारे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बाई 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 या रसूल, लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाई ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, अल्लामा तारिक़ क़मर चिश्ती साहब, तवज्जो है जी, तवज्जो करियो जी, नबी दे दादे ने नबी पाक नु चुकिया, इधर वेखियो बाबा जी, ते नबी पाक दे दादे ने दावत कीती पूरे मक्के दी, सतवें दिन दावत कीती अपने पोतरे दे नां दी, किदे नां दी, मेरे ते तेरे नबी पाक दे नां दी दावत कीती। और इधर वेखियो इमाम लिखते ने, एक ऊंठनी, दो ऊंठनी, तीन ऊंठनी, दस नहीं, भी नहीं, त्री नहीं, चाली नहीं, पंजा नहीं, नबी दे दादे ने पूरा 100 ऊंट ज़िबा किया, किन्ने ऊंट ज़िबा किए ने,
इधर वेखियो पिंड आलियो नबी दे दादे ने 100 ऊंट ज़िबा कीता, दावत पक गई, सारा मक्का जमा हो गया, सारा मक्का दावत पे खांदा है। जो सारे ने दावत खा ली ना तो शाह जी एक दूजे ने पूछते ने इंज की दावत कभी खाधी नहीं? रोटी शाह जी चंगी पकी हो ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना भी चंगी पकी हो फिर भी करनी चाहिए। मैं शरीयत पे दसदा जे एवं नहीं आखना चाहिए नमक ज्यादा जी, कई बंदे की आदत होंगी है ना, जिथे कि विआह गए उस प्यो नूं पूछा जिन्हें लख लख रुपया जमा करके अपनी धी की शादी ते खाना बनाया तो तू नुक्स कट के आ गया उस विआह ते, तू ये कदर की है? उन्हें लोगों को कर्जा चुके तो अपनी धी की शादी की है तो उन्हें मैरिज हाल वाले नूं आख्या सोहना खाना पकायो मेरी धी नूं कोई गल ना करे, मेरी धी दे सोहरे कोई शिकवा ना करन कि तेरे अब्बे ने रोटी चंगी नहीं पकाई, असी कदे मुसलमान हाँ खा के भी सारा कुछ तो बाद आने जी गोश्त नहीं सी सही, मुर्गी नहीं सी सही, सालन नहीं सी सही। ओ मुसलमान भाईओ इधर मेरे वाल वेखो, जदों भी दावत जावो जे कमी पेशी हो भी जाए ना तो दरगुजर कर लिया करो, तो खाने में नुक्स नहीं करना। मेरे नबी ने मना फरमाया जी, यह नहीं कहना मिर्च ज्यादा है नमक ज्यादा है इंज उंज, इधर किबला जे पसंद ही तो खा ला नहीं तो ना खा। नबी पाक ने फरमाया नहीं तो ना खाओ कोई मसला नहीं। इधर तवज्जो फरमाया जे, ये दावत चौधरी ज़हूरी लाई साहब की है ना जी, ये उन्होंने घर ही है, ए उन्होंने लंगर भी पकाया सोहना इंतजाम किया। अच्छा अच्छा वो बाहर ने जुबान ने जी, ए छोटे भाई ने उन्होंने की ना है ना अक्सद अली साहब, ये वीडियो बन रही है जुबान भी टुर जानी कोई गल नहीं। यह बड़ा फायदा ज्यादा जिथे बुरे काम होंगे ने उत्थे चंगे काम भी होने चाहिए ने सोशल मीडिया से। वेखो ना साड़ी नस्ल मोबाइल फड़िया की है जी, नवी मूवी केड़ी आई है जी, नवा गाना केड़ा आया जी, और सर्च करते हैं, वो वेंदे ने सारा कुछ करते हैं, तो वह किड्डा खूबसूरत इंसान है जिहड़ा या अल्लाह का कुरान सुनता है या मुस्तफा की नात सुनता है। तो आ वीडियो जो जापान जाए तो थोड़ा भरा आके वाकई पुत्रा हक अदा किया पिछे, चलो मैं तो इतने नहीं सा तो हक अदा किया तो सोहना प्रोग्राम सजाया ही तो नबी की महफल सजाई है। जुमले समात कर बाबा जी, इस तो बाद मैं आखिरी गल कर लगा तो इजाजत चाहवागा। नबी पाक के दादे ने की थी दावत, की कीती? दावत की थी, पूरा मक्का आ गया। जो तो पूरा मक्का आया ना बाबा जी तो सारे मक्के ने आके रोटी खाधी तो एक दूजे ने आंदे ने यार बड़ी सोहनी रोटी है, बड़ा सोहना सालन है, बड़ा सोहना इंतजाम है। जो इंतजाम सोहना तो जो करन वाले भी सोहने आने, जो करन वाले भी सोहने आने। जुमले समाध फरमाया जे, बाबा जी जो सारे मक्के दे चौधरी जमा हो गए, खाना खा लिया दावत खा ली, एक दूजे नु आंदे ने बड़ी सोहनी बनाई है, खाना बड़ा सोहना पकाया है, एक बोल के कह लगा खाना किवें ना सोहना होवे, दावत बनाना ला काबे दा मुतवली है, है दावत बनाना ला काबे दा मुतवली है, सालन बनवाना ला जनाबी अब्दुल मुतलब। जदों सारे मक्के ने रोटी खा ली है, चौधरी जमाई हो गए ने, हजूर दे दादा नबी पाक नू लै के बने आए, ए जुमला सुनी, नबी पाक नू लै के नबी दे दादा बने आए ने, आंदे ने वेखो मेरा पोतरा किड्डा सोहना है, वेखो मेरी जान किड्डी सोहनी है, सारे मक्के दे चौधरी नबी नू वेखी जा रहे ने, हजूर दा चेहरा वेखी जा रहे ने, आंदे ने वाह वाह अब्दुल मतलब है। इत्थे जुमला सुनी, है बाबा जिवें तेरा पुत्र अब्दुल्ला सोहना सी, उंज ओदा पुत्र भी सोहना है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम कोटली आलिया जुमले जाया ना करे आ रहे, सारा मक्का वे के हैरान रह गया, सारा मक्का वे के परेशान हो गया, एडा सोना आया है, एडा सोना आया है। मक्के दे लोग आंदे ने बाबा दावत ते बड़ी सोहनी बनाई आ, खाना ते बड़ा सोहना बनाया, ये भी ते दस ना पोतरे दा नाम की रखियाई। इत्थे जुमले सुनियो बाबा, जदों इनी गल कीती है मेरे नबी दे दादा फरमा देने, सुनो मैं अपने पोतरे दा ना रखिया है मोहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दे नां ते बोलिया रे। सारा मक्का हैरान, सारा मक्का परेशान, आखन लगा बाबा हे ना की हो जिया रखिया ई, हे जिदा ना असा अज तक नहीं सुनिया, हे जिदा ना किसे मक्के अंदर रखिया ई नहीं। अलामा साहब उत्तों आवाज आई है, हाय मक्के दियो काफरो चुप कर जा, तुसी गल मक्के दी कर दे, असा पूरी दुनिया विच कोई मोहम्मद बनाया ही कोई नहीं। तकबीर, हाथ खड़े करके अल्लाह इना दरसान रखे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्मे नबूवत, लबैक 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 या रसूल, लबैक लबैक। इधर इधर देख, तवज्जो जी तवज्जो, गल सुनो, मेरे नबी वर्गा सोना दादा की ना रखे, फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु, दुरूद पढ़ लो यार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाबा ना कोई नवा नहीं रखिया, फरमाया जे तुहानू ना पे नवा लगता है, जरा इन्हू थोड़ा उतां दिओ लैण दे। इन्निया शाना दा मालक होना है, इन्ने मर्तबियां दा मालक होना है, मेरे नबी ने इशारा करना है, अल्लाह चन्न ने दो टुकड़े कर छड़ने। बोलो होए ने कि नहीं होए, होए ने। नबी पाक मक्के खलो के इशारा किया, फरमाया चल लो एक टुकड़ा इधर थे कि उधर। काफर आके लगे हबीब इनू कह जे तोड़े तो फिर जोड़ भी। तो शाह जी नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते ने चले हुए, जेड़ा तोड़ सकता वह जोड़ नहीं सकता। इधर वेखो बाबा जी, पहली बारी चीज बनानी औखी होंगी, सैंपल बनाना औखा होंदा, पहली बारी काम करना औखा होंदा, दूसरी बारी उन्हें करना औखा कोई नहीं, वो तोड़ के फिर भी कर सकता है, वो ढा के फिर भी बना सकता है। मेरे नबी ने इशारा किया चन्न दो टुकड़े, क्या बात है। फिर इधर तवज्जो फरमाए जी, नबी दे दादे आंदे ने मैं सोने नू कोल रखना, फिर वारी आ गई अम्मा हलीमा दे वेड़े दी। हाय हाय, एक गल करनी है, चार तू पांच मिनट टाइम है, जुमले सुने जे अम्मा हलीमा दी, जो मैं सोने नू लैके अपने वेड़े गई ना बाबा जी, तो जो सोना मेरे वेड़े आया ना, तो जड़िया बकरियां दुध नहीं सन देंदियां वह भी देन लग पई। मेरे वेड़े कहत साली सी, खाण वास्ते कुछ नहीं सी, पीण वास्ते कुछ नहीं सी, जानवर सुक गए। बाबा जी तवज्जो, बच्चा थले बह जा, पुत्र मोबाइल आ लिया पिछू, डिस्टर्ब ना हो गया निजाम। इधर वेखियो, कुछ नहीं सी, पर जो सोना आया ना, अल्लाह ने फरमाया हलीमा हूं ना परेशान होवी, हुण मुश्किलां नूं दूर करन वाला मुस्तफा तेरे वेड़े आ गया। हर साल महफल सजांदे हो, इन्हां नूं पुछो ना कदी घाटा पिया ने, कदी को कमी रही ने, बाबा रह सकदी ने। जिन्हां दे नां दी ये महफल करवा रहे ने, उन्हां दी शान ही आला है, उन्हां दा मकाम ही आला है। आ जुमले सुनियो, अम्मा हलीमा दी किबला, जदों मैं लै के ना सोने नूं वेड़े आई ना, तो एक दिन मैं सोने नूं पंगूटे च लटा के ना, बाबा जी इधर वेखियो, तो मैं बोकर भी मारनी आ, ते दीवार दे नाल ही पंगूड़ा, कच्ची दीवार है कारे दी, ते मैं ए ना वेखियो सफाई करदिया ना, मेरी नज़र पै गई दीवार ते, किबला शाह जी दीवार इंज झुकी हुई है सोने ते, आए हाय दीवार इंज सोने ते झुकी है। अम्मा हलीमा सादिया फरमादिया ने मैनू जल्दी जल्दी, मैं वेख्या भी दीवार सोने ते, मैं बोकर छड़ी सफाई छड़ी, तो मैं जाके ना झूले जो सोने ने चौके चुमिया। बोलो सुभान अल्लाह, इत्थे बोलना चाहिए। मैं सोने ने चुकिया ना, तो मैं दीवार नूं आख्या नहीं डिगन लगी सें, तो दीवार विचों आवाज़ आई हलीमा मैं कदों डिगन लगी सा, मैं ते तेरे पुत्र दा दीदार कर रही सा। आए हाय, मैं ते तेरे पुत्र दा, बाबा जी जुमले सुनिया जे, दीदार कर रही सा। अम्मा हलीमा दियां एक दिन मैं वेख्या, तो सोना पंगूड़े विच लेटिया, चौदवीं का चन्न पे चमकदा, ते बाबा जी मेरे नबी जिधर इशारा कर दे चौदवी का चन उधर ही चला जाता है, हजूर सज्जे इशारा करते ने चन उधर चला जाता है, हजूर खब्बे इशारा करते ने चन उधर चला जाता है। मैनू ईमानदारी छोटे
अज सारे रिश्तेदार तलकदार यारी दोस्ती आले बैठे हो जुमले सुनिया रे अम्मायां दियां ने जदो मेरे वेड़े सोना आया है मैं कदी दीवा बलिया नहीं सोने दे चेहरे दे नूर दे नाल सारा वेड़ा रोशन ही रहंदा है सारियां बीबियां जमायों की आ गईयां आंदियां नी हलीमा दीवा बांधी क्यों नहीं कर दी शाजी की बिला अम्मा हलीमा आंदियां ने चुप कर जा मैं सच्ची दसा मैं कदी दीवा पाल आई कोई नहीं मैं कदी नहीं दीवा बालिया जदों दा नूर वाला नबी आया है जदों दा सरूर वाला नबी आया है जदों दा मेरा पुत्र मोहम्मद आया है मैं कदी नहीं जे दीवा बालिया मैं कदी नहीं जे रोशनी की थी वीडियो बन रही सारी दुनिया नु पैगाम देन लगा अम्मा हलीमा ने सोने नु चुकिया है चुक के सीने लाया है सारियां बीबियां पुछ दिया ने नी हलीमा जरा पुत्र ते वखा तेरा पुत्र मोहम्मद किड्डा सोना है पिंड वाली ओ नबी दी अम्मी ने चुकिया इधर देखी नबी दी अम्मी चुक के लैके आईया ने हजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया है सारियां बीबियां वेख के उंगला मुंह च पा लिया ने आंदियां ने वाह हलीमा असल रहमत ते तू वेड़े ले आई है असल रहमत दे तू लेके आई है असी ते भलेखे च मारियां गईयां ते जिथे जिदे मुकद्दरां विच लिखिया सी उन्हें ही लेके जाना सी जी एक मौलवी साहब आखन लगे दाइयां नबी पाक नूं छड्ड के टुर गईयां ऐ वेख्यो जुमला भी ओ असी ते इंज दा बर्दाश्त नहीं मैनूं आंदा किताब च मैं कहा जिथे मर्जी होवे बाबा जी जिथे मर्जी होवे उह दाइयां दी की जुरत है अल्लाह दे यार नूं छड्ड के टुर जाण तवज्जो तो करो जी यतीम समझ के छड़ के टुर गई इतों की लभना मैं कहा जिहड़ा कायनात दियां खजाने दियां चाबियां हाथ च लैके बैठा आना कासिम बुखारी शरीफ कि मैं अल्लाह दे खजाने नूं तकसीम करन वाला हदीस ना होवे मैं जुर्मदार हाँ तवज्जो फरमाए वह जिहड़ा खजाने दियां चाबियां कोल लवे हाथ मुठ्ठी च रखे तो गरीब सी नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो कहिंदा फिर मैं कहा दाइयां नहीं छड़ के गईयां सोने ने किसे दाई नू कबूल ही नहीं किया बाबा गल गल विच फर्क होंदा है ना एक विच अदब होंदा है एक विच कोई और पासा होंदा है लम्हा होंदा है ते वेखो गल ओह करनी है तवज्जो फरमाज दाइयां नू की जरूरत है कि दाइयां अल्लाह दे महबूब नू छड़ के टुर जाण जी नहीं जी यतीम जी कुछ नहीं मिलना हलीमा नू पुछ की लिया सो अम्मा हलीमा दे मुकद्दर वे सी अज़ल तो लिखिया गया सी कि सोने अम्मा हलीमा दे वेड़े जाना है बाबा जी चौधरी साहब जद सोने नू चुकिया ना मेरा दिल है कि इतने मैं अम्मा हलीमा की लोरी का एक शेर फड़ा अज बच्चे हो ना तो पुफो चुक दी है कदी खाला चुक दी है कदी मामी चुक दी है कदी भैन चुक दी है आंदी अम्मी मैनू दो हाँ जिहड़ा सोहना होवे उहनू सारे चुकदे ने ते जनाबे शीमा ना सारा दिन नबी पाक नू शाह जी चुक के खड़ांदिया रहना एक दिन अम्मा हलीमा की शीमा थकदी नहीं ए गल करोड़ां दी जे जनाबे शीमा ने हथ बन्ने अम्मा अगे अम्मा जदों तेरा सक्का पुत्र चुकनी आ ना तो मैं थक जानी हाँ ते जदो मुहम्मद चुकनी आ सल्लल्लाहो जदों मैं अपना ऐ वीर मक्के वाला वीर चुकनी आ ना तो मैनू थकावट ही कोई नहीं आती पता जे क्यों नहीं आती जदों अम्मा हलीमा दी धी ने सोहणे नूं चुकिया हुंदा सी ना जनाबे शीमा ने अल्लाह फरिश्तिआं नूं फरमांदा सी तुसीं शीमा नूं चुक लवो अपने परां ते चुक लवो ओए कायनात आलिओ एडी शान बचपन भी मेरे मुस्तफा दा आला जवानी भी मेरे मुस्तफा दी आला मेरे मुस्तफा दा आना भी आला मेरे मुस्तफा दा जाना भी आला आखिरी जुमले ते छड़ा लगा जे अम्मा हलीमा ने सोने नू हथा ते चुकिया होया कोठली विच बैन आली ओ नाले लोरी दिंदियां ने नाले अम्मा हलीमा आंदियां ने आखे हलीमा होया कमाल सुनी ओ सुनी आखे हलीमा होया कमाल जिदा मुल कोई नहीं हो मिली लाल जरा
ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਰਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਖਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਆਖੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਓਏ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਣ ਲਗਾਵਾਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਰੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਕਿਆ ਓਏ ਹਾਏ ਸਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸਰਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਕੰਡ ਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਗਏ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਤੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਹੀ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਬਣਾਵਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਕਰ ਲੈ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਸੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਟਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮਾ ਲੀਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਕੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਨ ਚੁੰਮਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਪੈਰੇ ਆਏ ਹਾਏ ਉੱਥੋਂ ਚੰਨ ਚੁੰਮਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੰਨ ਚੁੰਮਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਪੈਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਖੁਦ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ